हेलो फ्रेंड, मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा, आज का टॉपिक रहेगा एक एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर सर्किट का, उसके कंपोनेंट के वैल्यू के बारे में, और कौन कौन सा कंपोनेंट का कितना कितना वैल्यू लगता है उसके बारे में रहेगा। फिर देखते हैं कि आगे वीडियो में, अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक 18 वाट का एलईडी ट्यूबलाइट का ड्राइवर सर्किट है जो रिपेयर के लिए आया था, लेकिन इसका आईसी खराब होने के कारण ये रिपेयर नहीं हो पाया था, क्योंकि जनरली आईसी नहीं मिल पाता मार्केट में। इसके कारण मैंने डायरेक्ट पूरा सर्किट बोर्ड को ही रिप्लेसमेंट कर दिया था। तो आज इस कंपोनेंट के बारे में समझेंगे और कौन से क्या वैल्यू है उसको समझेंगे। ये फ्रंट साइड है, इसका बैक साइड में भी कुछ कुछ SMD पैकेज में वैल्यू है और कंपोनेंट भी है। पहले इस सर्किट बोर्ड को यहाँ से AC सप्लाई देते हैं जो कि न्यूट्रल और लाइन है। 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं, फिर जो न्यूट्रल वायर है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसको बोलते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू है 18 ओम और या 1 वाट का रेजिस्टेंस है। जो इसमें MOB लगा है उसका वैल्यू है, जो इसमें मेंशन है, S10K320। इसके बाद PF कैपेसिटर आता है, उसका वैल्यू है D104K310 वोल्ट। ये PF कैपेसिटर का वैल्यू है। उसके बाद आता है इस माल में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है और दोनों का वैल्यू सेम है। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का वैल्यू सेम है, जिसका वैल्यू है 10 माइक्रोफेराइड 63 वोल्ट। दोनों सेम कैपेसिटर है और दोनों का सेम वैल्यू है। उसके बाद आता है SMPS ट्रांसफार्मर जो क्वाइल का काम करता है और इसका टोटल 4 लेग है, 4 पिन है। इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर लगा है, बिग कैपेसिटर जिसको बड़ा कैपेसिटर बोलते हैं, जो आउटपुट में लगता है, इसका वैल्यू है 100 माइक्रोफेराइड 100 वोल्ट। इस प्रकार इस कंपोनेंट के बारे में हुआ। इसको हम बोलते हैं डिप साइड। अब बैक साइड में जाएंगे तो हमारा SMD साइड में जो कंपोनेंट लगे उसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या काम करता है। ये हमारा उसी की तरह ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है और इसका वैल्यू का मेंशन है MIC12M10 और 4 डायोड से मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद 2 फास्ट रिकवरी डायोड है जो SMD पैकेज में है, उसका वैल्यू है MIC ES1J। दोनों का सेम वैल्यू है MIC ES1J। जो 4 डायोड है D1, D2, D3, D4 ए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज होता है। जो फास्ट रिकवरी डायोड है जिसका मेंशन है D5, D6 डायोड। और इस सर्किट बोर्ड में मेन चीज होता है वो हमारा खराब था, इसके कारण मैं इसका IC को निकाल दिया हूँ और इस IC का नंबर मेंशन नहीं है।
जो ड्राइवर आईसी होता है जो एलईडी को ब्लिंक करता है। अब इसके बाद जो मेन पार्ट बचता है एसएमडी रेजिस्टेंस के बारे में, इसमें टोटल एसएमडी पैकेज में 6 रेजिस्टेंस लगे हैं जिसके वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है R4 जिसका वैल्यू है 2R20 और R3 जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1R20 और जो R6 है जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 103 और R5 जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 134 और R7 जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 154 और जो लास्ट रेजिस्टेंस जो बच जाता है एसएमडी पैकेज में वो आउटपुट के लिए रहता है जो कैपेसिटर के पैरेलल में हुई होता है। जो कैपेसिटर जो वोल्टेज आता है उसको ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इसका मेंशन है R8 जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 104 जो एसएमडी में शो करता है वैल्यू। इसके बाद हम यहां से आउटपुट ले लेते हैं। अब मैं इसका वैल्यू आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में शो कर दूंगा जो कॉपी में मैं नोट करके रखा हूं। जो मैंने जो कॉपी में जो मेंशन लिखा है उस सर्किट का पूरा बायोडाटा है और वैल्यू है, इसको आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके आपको कंपोनेंट के नाम बताता हूँ और इसका वैल्यू को भी। अब इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पता चले। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।